हमें इस वक्त जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम कश्मीरी किसी भी पार्टी से तल्लक हो, किसी भी सियासी जमात से तल्लक हो, लेकिन जब कश्मीर की बात है तो हम एक पेज पर होनी चाहिए। कश्मीर की आजादी, मुकम्मल आजादी और खुद मुख्तारी पे हमें किसी को भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जहां तक जहां पे बात कश्मीर की आती है, हम जिस महफिल में बैठे हूँ, अगर कोई बंदा किसी कश्मीरी के बारे में खिलाफ बात करे कि ये कश्मीरी सही नहीं है, कश्मीर का रहने वाला किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी कौमियत से, वो कश्मीरी है, उसके खिलाफ आप बोले, उसके खिलाफ अगर आप किसी पाकिस्तानी प्रोग्राम में जाते हैं, किसी हिंदुस्तान के प्रोग्राम में जाते हैं, किसी इंटरनेशनल लेवल पे आप जब बात करते हैं तो एज ए कश्मीरी बात करें, और कश्मीर की मुकम्मल आजादी और खुद मुख्तारी पे किसी कश्मीरी को कोई इख्तलाफ नहीं है। ये जो सियासी इख्तलाफात है, ये डिफरेंट पार्टियों ने आजाद कश्मीर में, इसी तरह जब हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, तो वहां पे इन लोगों ने अपने अपने एजेंडा देके गए हैं, लेकिन कश्मीरियों को सोचना है कि वो किस एजेंडे पे अमल करेंगे। वो जो कश्मीरियों के लिए बेहतर है, जो कश्मीरियों की सालमियत और खुद मुख्तारी की बात है, वो करनी है। और हम जिस खिते में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमें लीड करना है, हमें सब पार्टियों को साथ लेके चलना है, हर किसी की राय का एहतराम करना है। और मैं समझता हूँ कि ये आज की जो आम पार्टी कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम एक नजरिया लेके उठे कि जब कश्मीर की बात हो, कश्मीर की सालमियत की बात हो, कश्मीर की खुद मुख्तारी की बात हो, तो उस पर हर नजरिया पीछे है, सबसे पहले कश्मीर है। जब तक हम ये नजरिया लेके नहीं आगे आएंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम जब यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जाते हैं तो एज ए कश्मीरी उसको रिप्रेजेंट करें। अगर कोई भी किसी भी प्रोग्राम में कोई बात करता है ये इस्लाम कश्मीरी सही नहीं है, तो वहां पे आपका काम बनता है कि आप बोले, वहां पे प्रोटेस्ट करें कि नहीं, वो भी कश्मीरी है, वो किसी भी इलाके से है, किसी भी मजहब से है, वो कश्मीरी है। कश्मीर में अगर बाबू सिंह बात करता है, कश्मीर में वीर भाई उमर फारूक बात करता है, कश्मीर में अगर सैयद अलीशाह गिलानी बात करता है, तो वो कश्मीरियों की बात करता है। और हम पाकिस्तान में जब आजाद कश्मीर में बात करते हैं, तो हम सब चीजों पर नजरअंदाज करके हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, क्यों पाकिस्तान बनेगा, कश्मीरी फैसला करेंगे। कश्मीर का जब भी फैसला होगा, न कोई पार्टी करेगी, न कोई मुल्क करेगा, न कोई कौम करेगी, वो सिर्फ कश्मीरी कौम करेगी। और कश्मीर की मुकम्मल आजादी और खुद मुख्तारी का हमारा मिशन इंशाल्लाह जारी रहेगा। और ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि हम आज सब पार्टियों के लोग एक जगह बैठे हैं और इस मिशन को हमने ही लेके आगे चलना है। और इंशाल्लाह ये मिशन इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि हमें मुखलिस कश्मीरियों की जरूरत है, हमें जो कश्मीर के लिए आजादी की बात करते हैं उनका साथ देने की जरूरत है। जो किसी के नजरिए पे चलते हैं, जो किसी मुल्क की पॉलिसी पे चलते हैं, वो कभी कश्मीरियों के साथ नहीं है और ना होंगे। मैं सबसे पहले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ सवाल साहब बात करें, वहाँ गुजारिश नहीं जाती कि मेरे जैसा एक आला सा कारकुन बात करे। हम सवाल साहब को नॉर्थ अमेरिका में आदि अबल की हसीत से देखते हैं, तो उनके पास जिस तरह सारे साथियों ने जिक्र किया कि एक बंद किताब है, तो इसको तस्वीर करना पड़ेगा। साहब ने इस जगह की पहचान जो यूरोप और पूरी दुनिया में कोशिश करते करवाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये झंडा हमें आजादी मिले या ना मिले, लेकिन हम इसको इस जहां नहीं अगले जहां भी साथ लेकर जाएंगे, ये हम अपने आप से वादा करते हैं। मैं एक शेर हमेशा कहता हूं, जब काफला अपना अज्म और यकीन से निकलेगा, जहां से चाहिए रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी हमें एड़िया रगड़े दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं यहाँ जो बात हुई, राठौर साहब ने बात की, इम्तियाज साहब, अशफाक साहब और न्याज साहब, बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। वकील साहब तो हमारे लिए ये वकील की हैसियत से बात करते हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। और यही जज्बात हर कश्मीरी का जो बयान करते हैं, अभिषाक अली साहब, राजा इम्तियाज साहब और जफर साहब और अंग्रेज साहब, हमारे राशिद साहब,
मैं तमाम आदमी का शुक्रिया अदा करता, लंबी बात नहीं करूंगा, यहाँ ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमें जो है ना वो आज का जो प्रोग्राम था खासकर वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था कि उसकी जो अफवाह फैली है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई नहीं बना सकता, इस पर यकीन नहीं रखना चाहिए कि कोई नहीं कर सकता, करने वाले कर देते हैं, लेकिन हम अपने दिल में ये आज से ये वादा करना चाहिए कि कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता। हम खड़े हो जाएंगे अपनी गर्दने के फाटे के, ये सुबह नहीं बनने देंगे, हम इस अजम का आयत करें, ये नहीं कहेंगे जी कोई नहीं बना सकता, ये कैसे नहीं हो सकता, ये बन सकता है, तो हमें आयत करना चाहिए, जब हम जमकर खड़े होंगे फिर नहीं बनेगा। तो हम दूसरों का इतनी जना आसानी से उनको नहीं लेना चाहिए, हमारे हम कश्मीर जो चाइना और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, उम्मीद से रहना चाहिए। तो मैं ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, एक आखिरी शेर के साथ, ये हर कश्मीरी के लिए होना चाहिए कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता। मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। इसी तरह के प्रोग्राम हमें और भी आगे करने चाहिए, जहाँ तक मसला कश्मीर या बलूचिस्तान के मसले के हवाले से है, तो हम कश्मीरी जितने भी हैं गिलगित कश्मीरी, हम उसका मरने के लिए भी तैयार है, और उसका जो हमारी फॉरन जो पॉलिसी है उसका भी हम आज तक जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए, हमें थोड़ी सी अपनी अपनी इस हिंदू को जानना होगा कि न्यूयॉर्क में बैठ के गुजरात 30 सालों से हम मेहनतें भी कर रहे हैं, हम पोलिटिकल हमारे भी जो है वो खादो खाद इतने ऊँचे हैं, लेकिन हमने उस हवाले से कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें जरूरत थी ऐसे काम करने की, जैसे हमें ये विसल ब्लोइंग थी, प्रोटेस्ट था, वो तो एक टूल था, उसके अलावा हमें कश्मीर के कल्चर के हवाले से जो है वो सोचना था, हमारी तीन जनरेशन जहाँ किसी जनरेशन आ रही है, हमने आज तक जैसे मेरे भाइयों ने बातें की थी, मैं कोई इतनी लंबी चोरी इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन हमारे पास बैठने के लिए दो कुर्सी की जगह नहीं है, कश्मीरी कम्युनिटी का कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक ऑफिस नहीं है, हमारे पास कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है जहाँ हम बैठ के पोलिटिकल हवाले से हम बात भी करें और उस डिबेट को ओपन करें, ताकि हम अच्छे तरीके से हम जो भी आता है हम नारे मारते हैं, हम अपनी रवायात भी बरकरार रखते हैं कि कश्मीरियों की रवायात अच्छी है, हम पोलिटिकल हिंदू की इसे भी करते हैं, उनसे बैठते भी हैं, उठते भी हैं, और खुद भी एक पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन हमें देखना यह है कि हम कैसे उस चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, न्यूयॉर्क के अंदर रह के इतने बड़े जहाँ हमारा केस किया है, अकवामी मुतहदा है, आलमी साम्राज्य है, सारा कुछ यहाँ की आवाज सुनाई जाती है, इसलिए मैं आप सब पहले से गुजारिश करूंगा कि रवादारी का दर्द हमें नहीं छोड़ना, आपने मुकायद होकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है और एक दूसरे को इज्जत देनी है, और हमें इस मसले को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इख्तलाफ अपनी जगह है, डायस्पोरा है या पॉलिटिकल पार्टीज है या जितने भी हमारी तंजीमें हैं उनके खिलाफ हमको बैठ कर इसी तरह टेबल टॉक के जरिए एक दूसरे को बताना है और एक अच्छा मैसेज, और आज जो मैसेज है आपको भैया ने जो दिया है वादे कश्मीर और होने का, ये मैं समझता हूँ कि ये इफेक्ट करेगा, और इंशाल्लाह हम एक दिन वो दिन ढूंढनी क्या हम वो जो खाफ वाली आपको मैं कश्मीर का आज़ादी का वो जरूर हम दे देंगे। बहुत एक लंबे अरसे से उनके पास नॉलेज भी है और इन्होंने बड़ी बहुत ज्यादा मेहनत है, बात देखें बात करने ठीक है वो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने मशक्कत की है, रात भी देखी, दिन भी देखी, धूप भी देखी, बर्फों के अंदर खड़े होके यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने
आवाज उठाई जब यूनाइटेड नेशन के सामने आप लोग वहां पर जब कोई भी इवेंट होता है तो आप लोग दो या तीन वहां खड़े होते हैं। ठीक है, मैं तो सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, बातें तो हर इंसान जैसे अपना इम्तियाज साहब बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको बातें करनी है, लेकिन देखें वजन है। ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। देखें, एक अलीम साहब, एक राजा मुख्तार साहब, एक राजा ताज साहब के ऊपर हमने सारा बटन डाला हुआ है, वो खुदा के लिए सब का काम है, सब कंट्रीब्यूशन करें। और देखें, एक जो प्लेटफॉर्म है उसको कामयाब करने के लिए, उसके उसके लिए वर्क करने के लिए इनका साथ दें, रात दिन एक करें। बात करने के लिए तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे टाइम दें, दूसरा कहता मुझे टाइम दें, तीसरा कहता मुझे टाइम दें। देखें जो मिशन है उस मिशन के ऊपर देखें आपको फिर अपना एक दिन तोड़ना पड़ेगा और हरेक भाई का साथ देना पड़ेगा, रात दिन एक करनी पड़ेगी। तो मैं वो कहते हैं ना कि उम्मीद हूँ कि आप लोग सारे इत्तेफाक करेंगे, इत्तेहाद करेंगे और मिल के जो काम होता है वो एक आदमी नहीं कर सकता है। मैं इनको सलाम इसलिए पेश कर रहा हूँ कि हमेशा जब भी इकट्ठा किया है और अली भाई ने किया है, जो भी काम किया है अली भाई ने किया है, और हम सब का ये काम है कि इनको कॉल करके पूछना कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप किसी हेल्प की जरूरत है, किसी मदद की जरूरत है, ये काम तब चलते हैं। तो प्लीज मैं इसी पे खत्म करता हूँ, तो मेरे थोड़ी बात को ज्यादा आप समझ लोगे। थैंक यू।